अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सेबी काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। नाज़रीन, आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तानी मीडिया वो अब्दुल्ला दीवाना है और वो शादी है इमरान खान साहब की, जो कि हो ही नहीं रही। ये पाकिस्तानी मीडिया में एक मीडिया हाउस जो कि इन तमाम चैनल्स की लीड कर रहा है, ये उसका एक प्रोपोगंडा है। इमरान खान साहब की जो सियासत है उसमें अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इस मीडिया ग्रुप के जो मालिकान हैं वो इमरान खान साहब की सियासत को किसी सूरत में भी डिस्टेबलाइज करके उनको सियासत से बाहर करना चाहते हैं। उनका ये एजेंडा पाकिस्तान के वो तमाम इश्यूज पर से नज़र हटाना और हकायक से मुंह चुराने के लिए इस तरह की खबरें पेश करना है। मेरी पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा से आज सुबह बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि जब भी इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने के करीब आते हैं वो मीडिया हाउस इमरान खान साहब की शादी करवा देता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप दो मिनट के लिए उन फैमिलीज के बारे में सोचें कि जो इन स्कैंडल्स में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल हो जाती हैं, उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़ों कारब, उनके दोस्तों पर क्या गुजरती है कि जब 24/7 आप चैनल चेंज करें तो एक ही खबर बार 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 सुनकर आप तकरीबन साइको हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त हमारे नाज़रीन के साथ भी हो रहा है कि वो पिछले 24 घंटों से ये खबरें सुनते आ रहे हैं। सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अमल दखल के लिए बड़ी फाइन लाइन है, आपको वो लाइन क्रॉस करने से पहले सोचना चाहिए। इसके अलावा देखिए, शादी करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर शादी इमरान खान साहब करते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं। बहुत सारे सियासतदानों ने तीन तीन चार चार शादियां की हुई हैं, इसमें उनका अपना जाती, जो भी इस करना चाहते हैं उनका अपना जाती मसला है। इसमें हमें उनकी सियासत से दिलचस्पी होनी चाहिए, ना कि उनकी जातियात से। अगर उनकी जातियात हमारी सियासत को किसी सूरत में अगर मुतासर करें तो फिर उस पर ज़रूर बात करें। 2018 में ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब शेरवानी ज़रूर पहनेंगे। अब ये शेरवानी उनकी शादी की होगी या वजारत उज़्मा की हलफ उठाने की, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी मीडिया से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें। जब आपकी ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग से पाकिस्तान के हालात, साफ पीने का पानी से लेकर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, इन चीज़ों पर हम घंटों प्रोग्राम कर सकते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे गैर अहम मसाइल पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस। इन चीज़ों पर हमें गौर करना होगा। और आपको मैं इमरान खान साहब की शादी की जब खबर आएगी तो इंशाल्लाह लाइव विद सेबी काज़मी सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेट करेगा। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सेबी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़। क्या इमरान खान की शादी हमारी कौम के लिए इतनी ही अहम है जितना के साफ पानी, बिजली और गैस का ना होना, या तालीम और मियारी सेहत की सहूलियात का फुकदान, या फिर ये शादी हमारे मुल्क में आजकल की दहशतगर्दी और अंदरूनी और बैरूनी खतरात से ज्यादा अहम है। चले माजी का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। आपको शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी तो याद ही होगी। सारी कौम ने इस शादी में टेलीविजन के सामने बैठकर भरपूर शिरकत की, बल्कि ऐसा इंटरेस्ट और ऐसी शिरकत तो शायद उन्होंने अपनी शादी या अपने किसी दोस्त की शादी या अपने किसी रिश्तेदार की शादी में भी ना की हो। ये शादी तो हो गई मगर उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ याद है? आइए अब इमरान खान की बात करते हैं। पहली शादी और दूसरी शादी, बिफोर और आफ्टर के सारे हालात और वाकयात अपने आप को नंबर वन न्यूज चैनल कहने वाले मीडिया ने हमें स्कूल के निसाब से भी ज्यादा अच्छे तरीके से याद कराई। बल्कि जुल्म ये नहीं, जुल्म तो ये है कि ये सबक हर कुछ अरसे बाद याद कराया जाता है। क्या ये सब सहाफती जिम्मेदारी है या बिजनेस, खबर की तलाश है या हमारे कौम के मजे लेने की आदत? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इमरान खान क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उनके बारे में जानना हमारा हक है। चले ये बात सही मान लेते हैं। ये बताइए कि क्या आप अपनी ऐसी तमाम बातों में अपने भाई या अपने किसी रिश्तेदार की मुदाखलत या वक्त से पहले जानने और खोज लगाने की आदत पर खुशी महसूस करेंगे? फैसला आप पर छोड़ देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम अपनी फैमिली के लिए तो बहुत मोहतात और बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं
مگر دوسرے کی فیملی کی عزت اور پرائیویسی ہمارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا یہ میڈیا مالکان اور صحافی اپنی شادیوں اور اپنے پرسنل واقعات کے بارے میں بھی قوم کو آگاہ کرنا پسند کریں گے؟ فیصلہ پھر آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آخر میں آئیے عمران خان کی تیسری شادی۔ یقین مانیے اس شادی سے قوم کی زندگی پر کچھ اثر نہیں پڑنے لگا۔ ان میڈیا مالکان کا بزنس تو شاید ترقی کر جائے، بینک بیلنس تو بڑھ جائے، مگر قوم کی زندگی اور وقت ضرور تباہ ہوگا۔ آئیے اپنی طاقت اور اپنا وقت اس قوم کی تعمیر اور تربیت پر لگائیں اور اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ایک اچھا، سلجھا اور باکردار پاکستان دیں۔ نہیں تو پھر آسان لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے۔